कोरोनाची दुसरी लाट ओसरली असली तरी अजूनही कोरोनाचा धोका कायम आहे. गतवर्षी कोविड-19 मुळे उद्भवलेल्या संसर्गजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर यावर्षीचे सर्वधर्मीय उत्सव साध्या पद्धतीने साजरे करण्याचा निर्णय शासनाकडून घेण्यात आला होता. त्याच पद्धतीने यावर्षीचा छठपूजेचा उत्सवही साध्या पद्धतीने साजरा करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतलाय. तरी नागरिकांनी महापालिकेला सहकार्य करण्याचं आवाहन महापौर नरेश गणपत मस्के आणि महापालिका आयुक्त डॉक्टर विपिन शर्मा यांनी केलंय. तर दुसरीकडे छठपूजा उत्सव आयोजक आणि शिवशांती प्रतिष्ठान यांच्या वतीनं ठाण्यातील काही तलावांची साफसफाई करत छठपूजा उत्सव हा साध्या पद्धतीनं साजरा करावा आणि गर्दी न करता पर्यावरणाचा ऱ्हास होणार नाही यासाठी तलाव देखील स्वच्छ ठेवावेत असं आवाहन या संस्थेकडून आणि आयोजकांकडून करण्यात आलं आहे. सर, किस तरह से देखते हैं दो साल के बाद छठ पूजा मनाई जा रही है, नियमों का पालन करते हुए महापालिका ने परमिशन दी है, किस तरह से देखते हैं आपकी संस्था की तरफ? पिछले 2 वर्ष में कोरोना महामारी के कारण सब लोगों ने घर में ही छठ पूजा का आयोजन किया और छठ माता की पूजा प्रार्थना की. इस वर्ष महानगर पालिका और प्रशासन की तरफ से जो गाइडलाइंस आए हैं उसको ध्यान में रखते हुए सभी लोगों ने छठ पूजा सार्वजनिक तालाबों पर मनानी है. और हमारी संस्था के माध्यम से सभी तालाब पे आपने देखा होगा कि सारे स्वयंसेवक घाट की सफाई कर रहे हैं. लोगों को पूजा पाठ करने में जो स्वच्छता का माहौल होना चाहिए वो एक वातावरण के का निर्माण किया है. साथ ही में हम हमारी संस्था के माध्यम से ये अपील करेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कम से कम लोग घाट पर आएँ और छोटे बच्चों को ना लाएं, सीनियर सिटीजन्स को भी जितना दूर रखें भीड़ भाड़ से, क्योंकि अभी हम लोगों के मन में कोरोना का डर ख़त्म नहीं हुआ है. तीसरी वेव आने की संभावना है तो उसको ध्यान में रखकर नियम का पालन कर अपनी पूजा अर्चना करें, भगवान के प्रति अपनी जो श्रद्धा है उसको व्यक्त करें. साथ ही साथ सभी लोगों को एक दूसरे की सुरक्षा का भी ध्यान रखना है. इसी के साथ छठ पूजा की सभी को बहुत बहुत बधाई और सब लोग अपने गाइडलाइंस को पालन करें और उसका नियम का पालन करके पूजा करें.